नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जन्मदिन सेवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा गांधी आश्रम परिसर में संचालित सत्यशोधन आश्रम के छात्र छात्राओं के पास जाकर फल वितरित किए और मुख्यमंत्री के यशस्वी जीवन और स्वस्थ जीवन की कामना की। इस दौरान भाजयुमो अध्यक्ष मणिकांत चौरसिया, विनय पटेरिया, रुद्र प्रताप सिंह, धीरज गुप्ता, दिनेश यदुवंशी सहित बड़ी संख्या में युवा मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का जन्मदिवस है, जिसका हम सभी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बच्चों के साथ आज उनके जन्मदिन मनाया है। और हम लोग यही कामना करते हैं कि वो यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री स्वस्थ रहें और हमारे प्रदेश को विकास के पथ पर ले जाएं। और आगामी 2018 में हम सभी युवा मोर्चा की यही आशा है कि वो फिर से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मुखिया बने। बिजौर में भी भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष और महिला मोर्चा अध्यक्ष द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जन्मदिन मनाया गया। यहाँ पर मरीजों को फल वितरित किए गए। इसके अलावा आंगनबाड़ी में जाकर बच्चों को टिफिन भी वितरित किए गए। टिफिन वितरण के बाद बच्चों के चेहरे पर खुशी की चमक देखते ही बनती थी। इस मौके पर बिजावर मंडल अध्यक्ष राजीव दुबे, अरविंद सिंह बुंदेला, सीमा ददरिया, प्रियंका खंपरिया सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। 5 मार्च को हमारे माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का जन्मदिवस है, जिसे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंधु सेवा दिवस के रूप में मना रहे हैं। और सेवा दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी मंडल बिजावर और महिला मोर्चा मंडल बिजावर के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों के द्वारा मरीजों को फल वितरित कर उनकी सेवा करने का एक प्रयास किया गया है। सेवा दिवस के रूप में आंगनबाड़ी केंद्र में लाडली लक्ष्मी योजना के तहत जो बच्चे थे उनको फल फूल लंच बॉक्स बिस्किट और टॉफी वितरित किए, जिस और हॉस्पिटल में मरीजों को जाके फल वितरित किए। माननीय शिवराज सिंह जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनका जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम हो रहे हैं, सेवा दिवस के रूप में मना रहे हैं हम लोग। खबर दिन भर में इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में कुछ और नई खबरों के साथ आपसे होगी मुलाकात। नमस्कार।